हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपना कल वाला वीडियो यहीं पे ही छोड़ा था और अभी मैं आ गई हूँ अपने घर। ये अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अनपैकिंग कर रही हूँ मेरठ से आने के बाद। ये नेक्स्ट डे मैंने अनपैकिंग स्टार्ट करी थी, तो सारे कपड़ों को सबकी जगह पे रखूँगी। कुछ कपड़े वॉश करने वाले हैं, वो सारे कपड़े वॉश करने के लिए मशीन पे रख दूँगी। इस तरह से अब अनपैकिंग करना स्टार्ट करूँगी। एंड बहुत ही सादा सन्नाटा सा लग रहा है, क्योंकि घर से आओ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर मैं कपड़े लगाने आ गई हूँ मशीन पर, तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े ही बहुत कपड़े हैं, वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। वर्मा जी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। सो गाइस, ये मेरा जस्ट अभी एक पार्सल आया है, मुझे इसको ओपन करना है। मामाअर्थ का पार्सल, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे ये है मामाअर्थ का ओपन फेशियल किट। अब की बार ये वाला वो फेशियल कराएंगे, लेट्स सी ये कैसा है। इधर पीहू जी आ गई हैं, वो पी रही हैं यहाँ पे कोकोनट वाटर। एंड इसको मैं रख देती हूँ अभी। सो मैं आ गई हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने को। मैं डिनर में बना रही हूँ यहाँ पे सांभर और लीची, जिसका बहुत तो मैं यहाँ पे सांभर बना रही हूँ, इडली सांभर आज के डिनर में। पीहू का बहुत दिन से मन था, जब वो मेरठ गई थी तब से ही, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा फेस्टिवल टाइम चल रहा था कि मैं नहीं बना पाई। तो फाइनली आज आए हुए हमको 2 दिन हो चुके हैं और आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे इडली सांभर, और आज का डिनर यही होने वाला है। तो चलिए फटाफट से अपनी इडली रख देते हैं स्टीम होने के लिए। तैयार है एंड मैं अभी अनपैक कर रही थी जब सामान, तो मुझे ये मैं लेके आई हूँ मेरठ से। जब आपने देखा था शॉपिंग में हम लोग गए थे, कहाँ गए थे, जॉली वाली, जॉली की शॉप में, तो वहाँ से मैं सदर मार्केट से जॉली की शॉप से ये लेकर के आई हूँ। दिखाती हूँ आपको, वहाँ पे शायद नहीं दिखाया था ओपन करके ना। तो मैंने ये वाला जो ये स्नैक बॉक्स है ये लिया था, 500 रुपीज़ में मुझे मिला था, और मैं ये ऑनलाइन देख रही थी तो 800-900 रुपये का था। सो मुझे वर्थ नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी वाले होने चाहिए ना अपने पास, तो 800-900 रुपये वहाँ डालना मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने ये ऑफलाइन यानी कि मार्केट से लिया है, पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है ग्रे एंड गोल्डन कलर का ये बॉक्स है, एयर टाइट है एक्चुअली। तो जब कोई आता है ना तो नाश्ता वगैरह इसमें हम रखेंगे, एयर टाइट है, खुल नहीं रहा है। एक सेकेंड, देखिए ये है। सो जब इसको हम एयर टाइट से बंद कर देंगे तो बिस्किट वगैरह इसमें जो है वो नम नहीं होते हैं, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी रहती है और हमारा जो नाश्ता है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो ये इस तरह से ट्रे भी है इसमें वाइट एंड गोल्डन कलर की, और कोई आता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। सो ये मैंने ले लिया है, कल मैं इसको वॉश करके अच्छे से फिर इसमें कुछ रखूँगी। तो गाइज़, अभी मैंने ये ग्रॉसरी वगैरह सारा मंगाया है जो कि मैंने इधर सेट कर दिया है। थोड़ा सा स्नैक भी मंगाया था, ये चिप्स वगैरह, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने मंगाई हैं, क्योंकि आटा दाल चावल जो है वो सब कुछ ख़त्म हो रहा था, तो वो सब मैंने मंगा करके जगह पे सेट कर दिया है, रख दिया है। एंड अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ वेजिटेबल्स लेने के लिए। वेजिटेबल्स मैंने मंगाई थी, जिसमें से भिंडी वगैरह तो आ गई है, बट मुझे कुछ कुछ चीज़ें और चाहिए हैं। सो वो लेने के लिए मैं नीचे जा रही हूँ, मतलब मार्केट तक जा रही हूँ। एंड मेरे बाल देखिए
शाइनी से लग रहे हैं। और आज मैंने हेयर वॉश किया था तो मतलब है मैनेजेबल है, अच्छे लग रहे हैं। तो अब जाती हूँ, लेकर के आती हूँ सामान को और नीचे कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि ये फ़ोन आईफोन से मैं शूट कर रही हूँ तो आईफोन नहीं लेके जाऊँगी, ये फ़ोन मैं इधर ही छोड़ के जाती हूँ। हाँ बेटू चलो चले, टाइट हो गया क्योंकि वो खो गए हैं, ये दो तीन बीट्स खो गए हैं इसलिए वो टाइट हो गया। तो चलो गाइस मैं लेके आती हूँ। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड मुझे आए हुए 3 दिन हो चुके हैं और इन 3 दिनों में मैंने कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग शूटिंग नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पिछले व्लॉग्स चल रहे थे। आप लोग जो व्लॉग्स देख रहे थे वो डिले व्लॉग्स थे क्योंकि पीछे के व्लॉग्स थे फेस्टिवल वाले। एंड फिर हम लोग मुंबई आ गए और फाइनली अपने घर पर आ गए हैं और सारा काम साफ सफाई, जिस दिन मैं आई ना मंडे को सुबह, तो उस दिन जो मेरी हाउस हेल्पर हैं वो नहीं आई थी तो पूरा घर क्लीन करना सफाई करना वो सब था। फिर वर्मा जी को ऑफिस जाना था, वो ऑफिस गए। पीहू की छुट्टी थी एक्चुअली मंडे को, ये अच्छा था। ट्यूसडे से पीहू का स्कूल था, ट्यूसडे ही सिर्फ स्कूल था क्योंकि उस फिर यहाँ पे मुंबई में इलेक्शन था ना, तो वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सब छुट्टी छुट्टी थी। तो पूरा वीकेंड मतलब बहुत अच्छा गया। अच्छा पता होता ना कि पीहू की छुट्टी है तो शायद मैं अपने घर भी जा पाती क्योंकि इस बार मैं अपने मायके नहीं जा पाई, अपने घर नहीं जा पाई। मेरे को बहुत फील हो रहा था कि सब लोग मतलब सारे फैमिली से मिल लिए, अपनी अपनी फैमिली से, अपने सब लोगों से, चाचा चाची बुआ लोगों से, सब लोगों से हम लोग मिले ससुराल में, लेकिन मैं अपने घर नहीं जा पाई। जबकि इस बार मेरी फैमिली में ना सब लोग आए हुए थे दीपावली पे, चाचा चाची जी उनके बच्चे बाहर से भी आए थे, मेरी जो कजिन्स हैं वो सारे लोग, बट मैं जा नहीं पाई तो मैं मिल नहीं पाई। बहुत अपसेट थी मैं, बट क्या करूँ, मेरे पापा भी बहुत अपसेट थे इस बार कि कोई नहीं था इस बार, मतलब उनके सब बच्चे थे घर में, बट ये था कि पापा मम्मी अकेले थे, फैमिली पूरी थी लेकिन वो लोग अकेले थे, कोई बच्चा नहीं था, मैं नहीं थी, भैया नहीं थे। सो वो भी बहुत अपसेट थे एंड मुझे भी बहुत फील हो रहा था, बट क्या करें, शादी के बाद लड़कियों को मतलब देख के चलना पड़ता है किधर जाना है क्या करना है ऐसा। तो 7 दिन था, 8 दिन हम लोग मेरठ में रहे, टाइम यूं ही निकल गया पता नहीं चला, बट कोई बात नहीं, देखते हैं अभी कब जाना होगा मुझे मेरे मायके। यही था। तो चलो आज मैं बनाने वाली हूँ डिनर में दाल मखनी। सो बहुत दिनों के बाद दाल मखनी बना रही हूँ, आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलो अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो ये है खड़ी उड़द की दाल, काली वाली, और जिसे माँ की दाल भी कहते हैं, एंड दाल मखनी भी, और राजमा है साथ में जो कि मैंने 5-6 घंटे पहले सुबह भिगो दी थी। आप 3-4 घंटे पहले भिगोते हैं तो भी चलेगा। यहाँ पे ये काला पानी जो है ये मैं देख रही थी, बहुत गंदा तो नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने इसको वॉश किया था और फिर उसके बाद इसको मैंने उबाल लिया है, 3-4 सीटी लगा ली है। अब मैं बनाने जा रही हूँ इसको छौंकने के लिए, इसका जो तड़का है वो। तो यहाँ पर मैं टमाटर को प्यूरी बना रही हूँ, 4 टमाटर लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। एंड पता है क्या हुआ, ऑयल ले लिया मैंने, मेरे को याद नहीं था कि देसी घी या बटर लेना चाहिए था, मैं भूल गई एक्चुअली। और इसको बटर या घी में बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनता है, ये भी अच्छा बना था बट मैं भूल गई। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है एंड उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये प्यूरी डाल दी है टमाटो वाली, साथ में मैंने यहाँ पर कसूरी लाल, वो क्या बोलते हैं, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो डाला था कलर के लिए, जिससे कि बहुत अच्छा कलर आएगा। अब हमको इसको बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे, घी ना छोड़ दे, तब तक हमें इसको भूनते रहना है। जितना मसाला भुनेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, और भी कोई खड़े ऐसे कोई मसाले नहीं पड़ते हैं। नमक मैंने बीच में थोड़ा सा इसमें डाल दिया था और कुछ इसमें नहीं पड़ता है अलग से कोई भी मसाले वगैरह। देखिए अब हमारा जो ये मसाला है ये भुन चुका है, तो अब मैं इसमें ये जो दाल है वो डाल दूँगी और देखिए कितना अच्छा कलर चेंज हो गया। यहाँ पर दाल बच रही थी, अब मैं सोच रही थी क्या करूँ, मैं पूरी दाल डालूँ कि ना डालूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये दाल हो गई थी एंड
मतलब मुझे लग रहा था कि पता नहीं फिर टेस्ट आएगा कि नहीं, लेकिन फिर मैंने पूरी दाल मिक्स कर दी थी एंड यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, बहुत थोड़ी सी, एक चुटकी मसल करके। और ट्रस्ट मी गाइज, इस तरह से आप लोग दाल अगर बनाते हैं तो आपको बहुत टेस्ट आने वाला है। एंड में मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा मक्खन, क्योंकि ये दाल मखनी है, बहुत अच्छे से पकाना है। दाल मखनी जितना पकेगी उतना अच्छा टेस्ट आने वाला है। उसके बाद मैं यहाँ पर गैस बंद करके इसमें मैं डालूँगी क्रीम, फ्रेश अमूल क्रीम जो होती है, आपके पास नहीं है तो आप मलाई को फेड करके भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसमें क्रीम डालेंगे वो रिच होता जाएगा उतना ही। सो अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। अब आप मेरे दाल का कलर टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑसम एंड यमी हो गया है। सो बहुत पसंद आई वर्मा जी को, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। मैंने इसमें लाल मिर्ची नहीं डाली है, जो ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी वही था। अगेन मैंने यहाँ पर एक तड़का लगा दिया था बटर में, ये क्या बोलते हैं, लाल मिर्च। यही आज का हमारा डिनर है। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश कर देती हूँ। मिलती हूँ कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।